हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो देख रहे हैं वो है भारत शुरू करेगा बड़ा अभियान, इंडिया यूएन परमानेंट सीट। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये मुझे आपने वीडियो बोला कि इसको देखो, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी होंगी तो हस्बैंड कॉन्टिन्यूसली इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया यूएन में परमानेंट सीट ले, और जब ये होगा तब हमारे लिए जो मुश्किलें चाइना हर चीज में लगाता है वो खत्म होंगी, एंड देन इंडिया विल बिकम रियली स्ट्रांग। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है इस वीडियो में। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत चाहता है कि उसे एक यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जाए। इसका कारण यह है कि जब तक किसी देश को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट नहीं मिलती, वो फुल्ली एक सुपर पावर नहीं कहला सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर देश क्यों ना बन जाए। और भारत इसके लिए लगातार प्रयास करता आया है, और भारत हर बाधा को पार कर लेता है, लेकिन अंत में अपने सबसे बड़ी मुसीबत से फिर टकरा जाता है, वो है चीन और चीन का वीटो पावर। दरअसल पांच देश इस समय यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के मेंबर हैं। इनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। बात करें तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत का हमेशा से ही समर्थन करते आए हैं। रोड़ा है चीन। चीन जब भी वीटो पावर कर देता है तो सारे प्रस्ताव और भारत का प्रस्ताव भी रुक जाता है। वीटो पावर परमानेंट सीट के जो मेंबर हैं इनके पास ही है। अगर मान लीजिए कि सभी लोग कुछ चाहते हैं और वो प्रस्ताव पास भी हो जाता है किसी देश पर, मान लीजिए कि सैंक्शन लगाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन अगर आपने वीटो लगा दिया तो सारा प्रस्ताव वहीं का वहीं गिर जाता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन की सारी पावर इन पांच देशों के पास ही होती है। भारत चाहता है कि वो एक छठा मेंबर इसका बन जाए, और चीन को अवॉइड करने का भारत ने एक तरीका खोज निकाला है। जी हाँ, चीन के वीटो पावर के बावजूद भारत यूएन में परमानेंट मेंबर बन सकता है, और भारत अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। और इस अभियान के तहत अगर भारत सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर भारत जल्द ही एक परमानेंट मेंबर होगा यूएन का। क्या करने जा रहा है मैं आपको सबको डिटेल से बताने वाला हूं, मेरे साथ आप स्टूडियो में तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पर भी मैं अब रेगुलर हूं और वहां पर और ज्यादा इंटरेक्शन रहती है, क्योंकि वहां पर कम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे तो आंसर देने की काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए उस वीडियो में हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के अलावा तीन देश और हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि उन्हें एक यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट हासिल हो जाए। भारत के अलावा है ब्राजील, जर्मनी और जापान, और चौथा देश है भारत। और चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है कि दोनों चारों मिलकर एक लॉबिंग करते हैं, पूरी दुनिया में देशों को मनाते हैं कि सब उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन चारों का ही एकमात्र दुश्मन है चीन। चीन इन चारों को ही सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे में चारों देशों ने मिल बैठकर एक रास्ता खोज निकाला है। रास्ता है रेजुलेशन का और रिफॉर्म का यूनाइटेड नेशन के। दरअसल चारों देश मिलकर जल्द ही एक अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत वो यूनाइटेड नेशन के जो महासभा है, जनरल काउंसिल है, वहां पर एक प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव में क्या होगा कि जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे अब एक्सपेंड किया जाए, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को शामिल किया जाए। और इस प्रस्ताव को आप कहेंगे कि चीन फिर पास होने देगा, उस पर तो वीटो है, लेकिन वीटो को अवॉइड करने का एक तरीका है कि भारत अगर 130 से ज्यादा मेंबर को राजी कर ले कि वो वोट करें, यानी कि दो तिहाई से ज्यादा से, मतलब कि वोट चाहिए होंगे इतने, मतलब कि जितने भी टोटल वोट्स हैं उसका करीबन 66 से 67% वोट अगर भारत इस रेजोल्यूशन के प्रस्ताव के समर्थन में करवा देता है, तो चीन कितनी वीटो पावर लगा ले, चाहे कुछ कर ले, ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और यूएन फिर इस मामले पर चर्चा करेगा कि किन देशों को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अब जगह दी जाए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है यूनाइटेड नेशन में कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक्सपेंशन हो, यानी कि उसमें और मेंबर ऐड हो। हर बार चीन इसी बात को लेकर कहता है कि हम मेंबर ऐड किस कारण से करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का जो मेमोरेंडम है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि पांच से ज्यादा मेंबर होने चाहिए या इसमें भविष्य में कभी ऐड करें। तो यानी कि भारत इस जो चीन की जो क्वेरी है इसे बिल्कुल
खत्म कर देना चाहता है, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि उन चार में से मेनली यही चार देश होंगे, जापान, भारत, ब्राजील और जर्मनी, और इन्हें ही निश्चित तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन भारत को पहले ये सबसे बड़ी बाधा पार करनी है, 67% कम से कम अपने फेवर में वोटिंग करवानी है, और उसके लिए भारत ने अभियान शुरू कर दिया, तमाम देशों के राजनयिकों से मिलना शुरू कर दिया है। और भारत, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि भारत अपने इस अभियान में सफल हो, आप सभी कीजिएगा जरूर, और भारत यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट हासिल कर ले जाए। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था, देखा हमने, बोला और अभियान शुरू हो गया। बस अब जैसे वो कह रहे हैं कि भाई प्रे करो, तो सब मिलके प्रे करो कि ये हो जाए, जितनी वोटिंग चाहिए उससे ज्यादा मिल जाए, ताकि कोई एक्सक्यूजेस नहीं हो और इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बन जाए। क्योंकि एक बार इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया तो सुपर पावर होगा, और चाइना जो हर बारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो तो फेवर में हैं, हर बारी वो यस बोलती हैं, ये चाइना ही है जो हर बारी नो बोलता है। तो बस मैं तो यही प्रे करूंगी कि जल्दी से सारी जो बाकी कंट्रीज जिन्होंने वोट करना है वो इंडिया के फेवर में करें, ताकि इंडिया को भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कमाल का न्यूज है, मजा आ गया सुनने में। राइट, अगर ये नई न्यूज है तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि बहुत समय से इंडिया कोशिश कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बने, और ये बात सही है, देखा जाता है कि सुपर पावर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। अब आपको जान के ये थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि चाइना कैसे आ गई। कहा जाता है कि एक समय में इंडिया ने सपोर्ट किया था कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, उस वक्त शायद एबिलिटी थी कि इंडिया बन सके, मगर इंडिया ने शायद चाइना को सपोर्ट किया था। तो मेरे ख्याल से अब वो भारी पड़ रहा है स्टेप, उस वक्त इंडिया को लीडर बनना चाहिए था और कहना चाहिए था नहीं, हम बनना चाहते हैं, और काफ़ी उस समय लोग थे जो चाहते थे इंडिया बन जाए। अब ये बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चाइना हमेशा वीटो करता है, और कोई कंट्री तो अगर आप देखें तो ये इंडिया और इंडिया के लोगों को बहुत समय से ये पता चल जाना चाहिए था कि अगर कोई कंट्री आपको वीटो कर रही है तो आपके हित में नहीं करती। उसके बावजूद उस कंट्री का अगर माल आ रहा है और यूज़ हो रहा है तो ये थोड़ी अजीब सी बात है। वैसा लगता है कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं चला कि तुम्हारा जो कई देश है जो सीधा तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो आपके फेवर में नहीं है, जो आप कह सकते हैं कि वो शायद आपके एनिमी हैं, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ना दे रहे हैं। और उसके बाद जो है, इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि आप कैसे उस टाइप के परमानेंट मेंबर हो सकते हैं जहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की 1.3 बिलियन पीपल है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है परमानेंट में, ऐसे कैसे हो सकता है? किस टाइप की ये सिक्योरिटी काउंसिल है जो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करती है? अकॉर्डिंगली फिर ब्राज़ील भी सामने आया, उसने बोला बिल्कुल, ब्राज़ील इतनी बड़ी कंट्री है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? राइट, तो इससे, और दूसरा जो है, इंडिया काफ़ी कंट्रीज को हेल्प करता है, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं अपने एजेंडे जो हैं इंडिया के थ्रू उठवाते हैं। राइट, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में ज़्यादा पावर है तो कोई अफ्रीका अगर कोई रेस करता है और इंडिया फ्रेंड होता है तो इंडिया भी उनके हक में बोलता है। तो अब ये हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज को लग रहा है कि अगर इंडिया बन गई परमानेंट मेंबर तो उनके मुद्दे वो ओके कर देगी, या जो उनको पसंद नहीं है वो वीटो कर देगी, या जो गरीब देशों को पसंद नहीं है, गरीब मतलब कंपैरेटिवली गरीब जो देश है उनको मना कर देगी। तो बहुत लोगों ने, नेशन ने सोचा कि इंडिया अगर हो तो हमारा बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया पीसफुल है, अच्छी कंट्री है, उससे हम बात करके वीटो करवा सकते हैं अपने फेवर में। राइट, तो काफ़ी जो ब्रिक कंट्रीज हैं जो नहीं है परमानेंट मेंबर्स, उन्होंने बहुत कोशिश की हुई है, तो बहुत, जर्मनी इतनी पावरफुल कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का हेड जो है सॉर्ट ऑफ वो नहीं है, और इसका काफ़ी लेना देना भी वर्ल्ड वॉर से है, मगर अब ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ये सोच रहा है, और अगर मोदी जी करवा दें देन हर बच्चे को इंडिया के ये समझ जाना चाहिए कि ये एक्सेप्शनल काम किए हैं मोदी जी ने, जो और 70 साल से कोई बंदा कर नहीं पाया। और ये बहुत सही तरीका है कि अगर कोई लूप होल निकाला है कि अगर हम 2/3 अगर मेजॉरिटी से आए तो उसकी लिसनिंग होगी और फिर भी आप जीत सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वीटो, और बहुत प्रेशर एक्चुअली बन रहा है। और दूसरी बात यह है जो मैंने पहले कही थी कि अगर आपको किसी भी उसमें जाना है तो आपको कुछ ऐसा, आपको बहुत स्ट्रांग कंट्री होनी चाहिए, पहली बात बहुत स्ट्रांग कंट्री होनी चाहिए, और आपको
कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए अपने दूसरे जो कंट्री वीटो करी है उसकी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि उनको बार्गेन किया जाए, तुम्हारा ये मैं दे दूंगा मगर तुम्हें वीटो नहीं करना, तुम एक बार वीटो नहीं करो एग्रीमेंट ये रहा मैं तुम्हें ये दे दूंगा। उसके लिए लेवरेज चाहिए और वो तभी करता है जब कोई कंट्री हाथ पैर मारती है, जो मोदी सरकार अब कर रही है। वही कंट्री होती है जो अपना अपनी पावर दिखाती है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की जीडीपी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर इंडिया कहेगी कि हम सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी हैं, हमें कैसे तक तुम नहीं कर सकते, हम यूनाइटेड नेशंस को मानते नहीं है, बोगस है, मतलब बहुत कुछ करा जा सकता है। और जब डर पैदा होगा कि अच्छा अब ये कोई पैरल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो रही है क्योंकि ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो बहुत कुछ डायनेमिक्स चेंज हो सकते हैं। उसके लिए अब जो है इतनी सारी चीजें अब हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने समय से यही सुनते रहते हैं कोशिश चल रही है, अब जो है कोशिश नहीं चल रही, अब मेरे ख्याल से हो जाएगा। जिस तरीके से न्यूज आ रही है और मोदी जी जिस तरह से लगे हुए उनका थिंक टैंक काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत ही मैं इसमें हमेशा लोग कहते हैं कि आप मोदी जी की इतनी प्रेस करते हैं, देखिए मैं हम प्रेस करते हैं एक्शंस की, अगर कोई भी एक्शन ले अच्छा हम प्रेस करेंगे क्योंकि आपने एक्शन अच्छा लिया है। इट इज नॉट अबाउट द पर्सन मगर एक्शंस ऑफ द पर्सन, अगर एक्शंस ऑफ पर्सन जबरदस्त हैं और अगर आप देखते हैं कि इतने सालों में कुछ नहीं हो अब क्यों हो रहा है, ये हर चीज कॉन्शियस नहीं होती, बहुत हार्डवर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ही काम करने पड़ते हैं आपको कुछ अचीव करने के लिए, बैठे बैठे तो कोई काम अपने आप हो नहीं जाते। इसलिए दुनिया जो है कह रही है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो अगर मोदी जी के समय में ये होता है तो इट बी अमेजिंग एंड सारे नागरिकों को तब जो है थैंक करना चाहिए मोदी जी को अगर उन्होंने करवाया है। ऑफकोर्स मोदी जी रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोगों के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ये ठप्पा लग जाएगा कि सुपर पावर है। और ठप्पा लगे या नहीं लगे उससे इंपॉर्टेंट ये है अगर जीडीपी बढ़ता है और इंडिया जैसे अभी पावरफुल बहुत टक्कर दे रही है स्टैंड ऑफ में जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ और चाइना मोस्टली चाइना के साथ उधर पाकिस्तान भी उसके जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उससे एक एग्जांपल सेट किया जा रहा है कि इंडिया बैकआउट नहीं करेगी, इंडिया फाइट करेगी, इंडिया स्ट्रांग है और उससे पूरा वर्ल्ड। अभी हमारा टाइम हो रहा है वीडियो का मगर मैं आपको बताना चाहता था कि जब 25 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो लोग पूछते थे आप कहाँ से आए, तो मैं इंडिया बोलता था और आपको हैरानी होगी लोगों को पता नहीं होता था इंडिया क्या है। हैरानी की बात थी कि उस वक्त जो है जब मैं बोलता था कि मैं इंडिया से दोनों के बोलते थे कहाँ है, मैं बोलता एशिया में, अच्छा अच्छा एशिया में। इतना मतलब 25-30 साल पहले साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके नहीं जो पढ़े लिखे हैं, मतलब यहाँ पे सभी लोग 99% लिटरेसी 100% के करीब है, यहाँ पे हर बंदा लिटरेट है मगर ज्योग्राफी में उनकी कवरेज नहीं होती। आप जब जाते हैं अपने स्कूलों में कवरेज आपने कवर ही नहीं किया एशिया को ज्यादा तो उनको क्या पता लगेगा, राइट? तो ब्लेम नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि अमेरिकन मतलब साधारण अमेरिकन में अकल नहीं है, बात अकल की नहीं है, बात यह कि पढ़ाया क्या गया था। अगर आपके स्कूल में आपको एशिया नहीं ढंग से कवर किया तो उनको कैसे पता लगेगा, राइट? तो मैं जब आया था मेरे को भी हैरान लगता था कि यार यहाँ पे लोगों को इंडिया के बारे में, अब फास्ट फॉरवर्ड करिए 25-30 साल पहले मुझे देखते लोग बोलते हैं आई थिंक यू आर फ्रॉम इंडिया। अमेजिंग बात है ना कि वो बंदा देखते ही बोलता है यू आर फ्रॉम इंडिया, राइट? और मतलब जहां पहले लोगों को नाम तक नहीं पता था। मुझे याद है मेरे साथ भी होता था। और तो बहुत अच्छी बात है कि इतने समय में और अब जो है जिस तरीके से हेडलाइंस में आते हैं कुछ बात होती है आप सीएनएन में देखते हैं इंडिया के बारे में आ रहा है, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं यूके के नाम नहीं लूंगा जो हमेशा नेगेटिव न्यूज देते हैं, बड़े दुख की बात है। पता नहीं क्या उनको 36 का आंकड़ा पहले से चला आ रहा है फ्रीडम फाइटिंग से, मेरे ख्याल से जब इंडिया ने आजादी ली तो यूके के कई न्यूज़पेपर्स हैं हमेशा नेगेटिव राइट में लाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो और मेरे को यही लगता है क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से, बट जो भी है मगर यहाँ पे आप देखेंगे सीएनएन वगैरह में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है हमारे देश के बारे में, मतलब वो बैलेंस है, कुछ बुरा होता है तो बोलते हैं मगर जब अच्छा होता है तो अच्छे भी बोलते हैं, सो इट्स वेरी नाइस। तो बस प्रे करते हैं, होप करते हैं कि ये जल्दी से हो जाए और हमारी ये जो ड्रीम्स हैं ये कम ट्रू हो जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।